इधर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। सरकार देश को बचाए, फौज को बचाए। दीपेंद्र हुड्डा ने पूछा कि अग्निवीर योजना किसकी मांग थी। जहां तक भारतीय सेना की का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि एक हमारी मांग हरियाणा की है, मांग है कि अग्निपथ योजना वापस ली जाए। देश की सेना जिस पर 75 साल तक पूरे देश, हर देशवासी को गौरव था, उस सेना ने हमेशा, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, देश के झंडे को ऊंचा रखने का काम किया था। 71 में कांग्रेस की सरकार रही हो, भले जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए उस युद्ध में, चाहे कारगिल में भाजपा वाजपेयी जी की सरकार रही हो, जब पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया, वो इसी पक्की भर्ती से नियुक्त फौज ने किया था। और मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किसकी मांग थी कि पक्की भर्ती की बजाय 4 वर्ष की अग्निपथ अग्निवीर योजना लेके आया जाए। तो ये मैं समझता हूँ देश हित में और फौज हित में, फौज 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 देश नहीं है, ये सर, भी कह रहा है। सरकार को यही मैं कहना चाहता हूँ कि फौज को बचाए, देश को बचाए। फौज मजबूत होगी, देश मजबूत होगा।